हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा यूनिट 4 की मैथ्स की। इसका एक इंट्रो टाइप आपको दूंगा और आपको ये बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या ऐसा है जिसको आपको ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी है। स्टार्ट करेंगे, अगर देखेंगे तो आपका है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, फर्स्ट ऑर्डर है पहले, देन पूरा हायर ऑर्डर है। तो ये दोनों ही चीज़ें मिला के आपका वैसे भी काफी हो जाता है और ये आपने 12th में करा हुआ है। तो इस चीज को हम लोग चैनल पर भी डिस्कस नहीं करेंगे, वीडियोस नहीं होंगे इसके। जो आपका इंजीनियरिंग से रिलेटेड है वही आपको यहाँ सिखाया जाएगा। देन आपका टॉपिक आता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। सो ये एंड देन साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो आपका क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 जो आपके यूनिट 4 के आएंगे तो वो इस तरह ही आता है हर बार। नॉर्मली यहां से पूरे में से एक क्वेश्चन बनता है एंड इधर से आपका क्वेश्चन 2 बनता है, जनरली यही ट्रेंड रहता है। जो गलती है जो हर बार स्टूडेंट्स करके जाते हैं वो ये है, क्योंकि ये 12th में उन्होंने पढ़ा होता है, स्टूडेंट्स ये पढ़ लेते हैं देन एग्जैक्ट एंड साइमल्टेनियस सीख लेते हैं। काफ़ी इजी हैं ये भी, इतने डिफिकल्ट नहीं है, और यहाँ ये करने के लिए कोशिश करते हैं। बट ये जो क्वेश्चन है आपका, अगर आप इसको अटेम्प्ट करने जाएंगे तो इसकी गारंटी 100% नहीं है कि आप ठीक करेंगे। जो अब मेरा नीचे का पार्ट देखता हूँ कि बेसल्स लेजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन का आपका पार्ट है, ये जो है आपका टोटल प्रूफ है। सबसे पहले आपको बेसल इक्वेशन एंड सॉल्यूशन का प्रूफ, हाफ ऑर्डर का प्रूफ, देन प्रॉपर्टीज ऑफ बेसल फंक्शन है, इस पर छोटे बहुत न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, जो आपका क्वेश्चन 1 रहता है, जो कंपलसरी क्वेश्चन है उसमें आ जाते हैं, जनरेटिंग फंक्शन, ऑर्थोगोनैलिटी, सेम इज विद लेजेंड्रे, लेजेंड्रे की इक्वेशन, रॉड्रिगे का फॉर्मूला और ऑर्थोगोनैलिटी। तो ये जो है आपके प्रूफ्स हैं सारे, हालांकि ये काफी डिफिकल्ट है और आप जब देखेंगे इनको तो आपको बिल्कुल लगेगा ये सब क्या लिखा हुआ है, मैं नहीं समझ सकता इस सबको कभी भी। बट आपको चैनल पे यहाँ सिखाया जाएगा, एक एक चीज सिखाई जाएगी, सारे प्रूफ सिखाए जाएंगे, तो आई होप आपके लिए इजी रहेगा और आप चीजों को समझ जाएंगे। तो मैं ये कहूंगा कि जो आपका सेकेंड क्वेश्चन है, मेरे अकॉर्डिंगली ये ज्यादा ईजी रहता है, क्योंकि इसमें सिर्फ पूछ लेगा रॉड्रिगे फॉर्मूला बताओ, प्लस इधर से एक नॉर्मल न्यूमेरिकल दे देगा, उसका क्वेश्चन खत्म 12 नंबर का। अगर आपने प्रूफ को प्रैक्टिस किया है, और आपको कम से कम 5 या 6 बार तो प्रैक्टिस करना होगा एग्जाम से पहले। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि आप जितना कर सकते हैं दिवाली से पहले अपना कोर्स कर लें, अच्छे से कर लें, क्योंकि आपका, आपने कभी नहीं देखा होगा, आपका पूरा 1 महीने लगातार एग्जाम्स होंगे। आपने ये चीज जो अभी आपके साथ होगी सेमेस्टर के लास्ट में, आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं करी होगी। कैसे होगा, आपके सबसे पहले इंटरनल प्रैक्टिकल्स होंगे, कुछ लोग सेशनल्स भी लेंगे, कुछ कॉलेज सेशनल लेंगे, फिर इंटरनल प्रैक्टिकल, फिर एक्सटर्नल प्रैक्टिकल, देन उसके बाद आपके एंड टर्म एग्जाम रहेंगे। तो ये आपका पूरा जो 1 महीना है ना आगे, पूरा बुक रहने वाला है, रोज 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 एग्जाम रहेंगे। एक दिन मुश्किल से छुट्टी मिल गई, नेक्स्ट डे फिर एग्जाम, तो आपको टाइम नहीं मिलेगा ये सब पढ़ने का जब लास्ट में, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल्स चालू हो जाएंगे, आप अपनी फाइल्स बनाने में बिजी हो जाएंगे, फाइल बनाओगे या ये याद करोगे चीजों को। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि दिवाली की जो छुट्टियां आ रही हैं उससे पहले आपका ये सारा सेशन का जो भी है अपलोड हो जाएगा। प्लीज आप लोग सब पढ़ लें, ये सारे प्रूफ्स हैं जो भी मैंने आपको बताया, आपको ये करना है ये करें, ये करना है ये करें। और मैं ये कहूंगा अगर कर सके तो दोनों ही करके जाएं, क्या पता आपको ये बेटर आता हो या फिर ये बेटर आता हो। तो और ऐसा भी नहीं है कि 100% जो मैं कह रहा हूं ये भी सही होगा, इस तरह का वो पैटर्न फिर से फॉलो करेंगे जो करते हैं, क्या पता किसी टीचर के दिमाग में कुछ अलग हो, हाफ ऑर्डर दे दे साथ में इधर का एक क्वेश्चन दे दे, नीचे क्वेश्चन में जनरेटिंग फंक्शन दे दे साथ में इधर से एक क्वेश्चन दे दे, तो कह नहीं सकते। तो आप यूनिट को पूरा
प्रॉपर करें, बट जो ट्रेंड देखा गया है वो मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज इसको शेयर करें। और जल्दी से जल्दी यूनिट 3 मैट्रिक्स की पूरी अपलोड हो चुकी है, उसको चेक करें, सीख लें मैट्रिक्स जल्दी से, उसके बाद यूनिट 4 चालू करें। आपकी जो इलेक्ट्रिकल है ईटी, उसके वीडियोस भी बहुत जल्दी आने वाले हैं, पहले ये अपलोड होंगे देन उसके बाद ये। ईटी एक बार को आप कर भी लेंगे क्योंकि आगे की 2 यूनिट्स इजी हैं, बट ये आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं इस पे ज़्यादा स्ट्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चों का लास्ट में रहता है एंड देन फिर ऐसे हालात बन जाते हैं कि बैक आने की संभावनाएं होती हैं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप करें इसको। थैंक यू।